ना तो वो मुर्दार जानवरों से बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि उनके तो जानवर मर जाते तो उन्हें भी नहीं फेंकते ना, वो बीच में नष्ट कर देते। तो ना मुर्दार जानवरों से बनी हुई फीड होनी चाहिए और ना ही वो सुअर से बनी हुई फीड होनी चाहिए। अब ये अदालत ने फैसला तो दे दिया, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो ये एक एक एग्जाम्पल है सिर्फ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि फ्रूटेला एक कैंडी है, बच्चे खाते हैं। मैंने भी कई दफा बच्चों ने मुंह में डाली और मैंने खाई भी, अपने बच्चों को मैं लेकर भी देती रही फ्रूटेला। पिछले दिनों मुझे किसी बड़ी अच्छी मेरी साथी और दोस्त हैं, अजीजा हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि फ्रूटेला हलाल नहीं है। मैंने कहा कैसी बात कर रही हैं आप, ये फ्रूटेला तो आम मिलती है, हर स्टोर पे पड़ी हुई है और मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, अल्लाह अल्लाह करे, डराए मत मुझे। तो कहने की मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ पेज। तो उन्होंने मुझे फ्रूटेला बनाने वाली जो कंपनी है उनका पेज शेयर किया, जिसपे उन्होंने लिस्ट दी हुई थी सुटेबल फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन सुटेबल फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, हलाल हराम नहीं उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था सुटेबल फॉर मुस्लिम्स, नॉन सुटेबल फॉर मुस्लिम्स। और सुटेबल फॉर मुस्लिम्स में फ्रूटेला शामिल नहीं थी, वो नॉन सुटेबल में थी। अब बताएं मुझे, मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। मैं फूंक फूंक कर कदम रखती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने तो उस दिन के बाद एक सादा सा ये सोल रखा है कि जो बाहर से आई हुई चीजें पड़ी होती है ना स्टोर्स पर, चीन च्यूंगम्स और इस तरह बिस्किट, और बच्चे कहते हैं ले लो दुबई वगैरह से भी, मैं कहती हूँ नहीं कोई जरूरत नहीं, जो लोकल बनी हुई है वो लोकल, कम अज कम ये तो पता ना बना क्या हो। इतना एक शदीद मसला है, जो हम कहते हैं ना बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बदतमीज हो गए हैं, जुबान दराज हो गए हैं। अच्छा एक और प्रॉब्लम क्या है, बच्चों में एंजाइटी बहुत आ गई है, और चीजों के साथ साथ ये भी एक सबब है। अच्छा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपके जो नाम निहाद एनर्जी ड्रिंक्स है, रेड बुल है और स्ट्रिंग है और पता नहीं कौन कौन से। अब ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है, आपको पता है कि इसमें बुल के सीमन का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। सीमन समझते हैं ना, जब बुल्स जो है वो सेक्सुअली अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, जो जो डिस्चार्ज होता है उनके अंदर से, वो डिस्चार्ज वो इकट्ठा करते हैं, उनको आर्टिफिशियली जो है अराउज करते हैं और डिस्चार्ज करवाते हैं, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो जुज्व जो एनर्जी देता है। अब वो बुल की तरह एनर्जी तो देता ही देता है, वो बुल की तरह अल्लाह रहम फरमाए शहवत भी पैदा करता है। ये बात तो आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं, अमेरिका के यूरोप के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, हुकूमत को इन्हें बैन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं आ रही, टेम्परामेंट भी उनका बहुत हाई हो रहा है, वो गुस्सैले होते जा रहे हैं, गुस्सैले और भड़के हुए। बुल को आपने कभी आराम से देखा है? बुल बुल की जब ताकत जोर मारती है तो वो तो पागल हो जाता है। और तीसरी चीज ये कि वो सेक्सुअली भी उसी तरह बेकाबू फील करते हैं अपने आप को, तो वो तो कह रहे हैं कि इसको बंद करें, लेकिन जाहिर बात है बंद कौन करेगा, क्योंकि वो बच्चे जो है वो एक अजीब सा अपने अंदर वो फील करते हैं ना, तमानाई का एक जवान भाटा सा, एक पावर, एक एनर्जी, तो वो तो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और खरीदते हैं, तो जो बेच रहे हैं उनकी तो चांदी हो रही है, बल्कि चांदी क्या सोना हो रहा है, तो कौन बंद करेगा? कोई बंद नहीं करेगा। तो ये भी कोई हलाल और जायज चीज तो नहीं। फिर और कितनी ही चीजें, कितनी ही चीजें। तो हमें ये बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है, हलाल और हराम के दरमियान मशकूक चीजें, तो मशकूक चीजों को भी छोड़ देना चाहिए, मशकूक चीजों को भी छोड़ देना चाहिए जिनके बारे में हमें ये ना पता हो कि वो किस चीज से बनी है और वो जो चीज है वो हलाल है या हराम है। अब बहुत सारी बातें हैं कि जी ये वाला कोड लिखा होगा तो वो चीज हलाल होगी, तो ये लिखा होगा तो हराम होगी। भाई पहली बात तो ये कि बार कोड रीडिंग की मजाक नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये हर चीज के ऊपर ये 100% ही लागू हुआ था। लिहाजा कोशिश ये करें कि बाहर का खाना कम हो, घरों का खाना ज्यादा हो, और जो चीज बाहर से लेनी भी हो कम से कम इतनी पड़ताल करें, थोड़ा टेस्ट ही कम हो जाएगा ना, लेकिन चीज हमारी लोकल हो तो अच्छा है,
हलाल हो तो अच्छा है, बाहर से अगर आ गया तो उस पर वाजे तौर पर हलाल हो लिखा हो, वरना मत ले। उसके बाद दूसरी बात आ गई जो अल्लाह ने कंडीशन दी, अल्लाह ने कहा तैयब चीजें खाओ। और ये तैयब क्या है, मैंने आपसे कहा पाकीजा और उम्दा दोनों माने हैं। अब आप जो बाहर से खाते हैं, हाउ डू यू नो कि वो पाकीजा है? देखिए ये अब सड़कों के किनारे जो ठेले लगे होते हैं, कॉलेजेस के बाहर ठेले लगे होते हैं, और गुलबर्ग में हर जगह पर लगे हुए ठेले, वेंडर्स हैं। हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स तो है नहीं, संजीदा बात है, कहाँ जाकर ये रफाए हाजत करते हैं? और कभी आपने भी हाथ धोते देखा है? प्लेटें तो डिस्पोजेबल आ जाएंगी, हाथों का क्या होगा? क्या वो पाकीजा खाना बनाते हैं? या तो कोई हो ना, आप देखते हैं वो नमाजी है, साफ सुथरा है। इन चीजों को देखने की आदत डाले। तो साफ भी होना चाहिए, पाकीजा भी होना चाहिए। गंदे उन्होंने वो बाल्टियां रखी हुई है, उनके अंदर गंदा पानी है, उसी में वो दोबारा प्लेट खंगाल के रख रहे हैं और फिर भी लोग खरीद रहे हैं। चले जहां थोड़ा सा लेवल बेटर हो जाता है वहां पर वो डिस्पोजेबल बर्तन रख लेते हैं, पर हाथ तो डिस्पोजेबल नहीं है ना, क्या वो हाथ धोते हैं? तो उसी सूरत में बाहर से खाना लें जब या तो मजबूरी हो या आपको यकीन हो कि किचन उनका साफ सुथरा था और खाना साफ तरीके से बना है। और फिर खाना उम्दा भी होना चाहिए। उम्दा होने से क्या मुराद है? उम्दा होने से मुराद है कि खाना अच्छा हो, अपनी क्वालिटी के एतबार से अच्छा हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से अच्छा। हम तो सिर्फ जायका देखते हैं और धड़ाधड़ हम कार्ब्स खाई जाते हैं। जिंदगी पर मुशक्कत रही नहीं है, बैठ बैठ के मोटे हो ही जा रहे हैं, बीमार हो ही जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं। अच्छी डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, साफ सुथरी डाइट ले, हलाल गिजा ले। तो इन एलिमेंट्स को देखे और फिर खाए। और अल्लाह ने कहा खाओ जो कुछ जमीन में है, इनके जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया गया, इनमें से जो जराए तुम्हारे पास हलाल तरीके से आ जाए उन्हें इस्तेमाल करो, और पाकीज़ा और उम्दा खाने खाओ पियो, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज किस बात पर है? वला और ना तत्तबिउ, तुम पैरवी करो। वाव हर्फ अतफ फै मिलाने के काम आता है, ला हर्फ नाफिया है नहीं के काम आता है, तत्तबिउ इत्तबा से है, तेवे आइन इसकी रूट होती है, तत्तबिउ तुम पैरवी करो, ये भी इंपेरेटिव है, ला तत्तबिउ ना पैरवी करो, नहीं हो गया आमर से, खुतुवाती कदमों की, अशैतान शैतान के, तुम शैतान के कदमों की बस पैरवी ना करो। खाने पीने से नहीं रोका, बस शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। क्या मतलब है? शैतान के रास्ते पर ना चलो। आप उर्दू में भी तो कहते हैं ना, तुम फुलां के नक्शे कदम पर चलते हो, तो वो फुटप्रिंट थोड़ी पड़े होते हैं, मतलब ये कि उस जैसे हो। तो अल्लाह ने कहा कि शैतान के जैसे काम नहीं करो। शैतान ने क्या काम किया? ना फरमान, अधर्म, जिद, नहीं करना ये सब कुछ। फिर शैतान के पसंदीदा काम कौन से हैं? वो सब काम जो अल्लाह सुबहान व तआला को ना पसंद है, जैसे हराम चीजें खाना, पाकीजगी का ख्याल ना रखना, अपनी सेहत को बिगाड़ना, क्योंकि सारे काम सेहत के साथ है ना, तो बीमार पड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली दीन भी खराब और दुनिया भी। तो सेहत खराब करना, बच्चों की तरबियत ना करना, फजूल खर्ची, बेहयाई, फुहाशी, वक्त जाया करना, आखिरत की तैयारी ना करना, यानी वो सारे काम जो हमारे रब को ना पसंद है वो शैतान को महबूब है। तो शैतान की बात ना मानो, उसके पीछे ना चलो, बस ये डिमांड है। ये नहीं चाहते अल्लाह के आप गोश्त ना खाएं, ना ही अल्लाह ये चाहते हैं कि आप अच्छा कपड़ा ना पहने, सारी उम्र जूट पहनकर घूमे, ना ही अल्लाह ये चाहते हैं कि आप सफेद कपड़े पहने और कोई कलरफुल ड्रेस ना पहने। अल्लाह ऐसा कुछ नहीं चाहता। अल्लाह कहते हैं जो नेमतें दी है इस्तेमाल करो। खाना पीना बेसिक है ना, इसलिए खाना पीना खा, मतलब कि जो भी नेमतें हैं, घर बनाया है आपने अच्छा सा, कोई हरज नहीं, आप अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे जूते पहनती है, इट्स ओके।
ये मसला नहीं, मसला ये है कि शैतान के पीछे ना लगो, ये मसला है। तो ये जो हमारे यहाँ बुजुर्गी का कॉन्सेप्ट है ना कि फुलां बाबा जी जो है उन्होंने तो सारी उम्र सत्तू पिए, तो अल्लाह ने मांगा ही नहीं था, अल्लाह ने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। फुलां बाबा जी तो सारी उम्र बोरिया पहनते रहे, बोरी सी के पहनते रहे, कपड़े पहने ही नहीं, तो अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने तो कहा मुनासिब कपड़े पहनो, इसराफ नहीं करना बाकी पहनो, अल्लाह ने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की। फुलां साहब सर्दी के मौसम में लिहाफ ही नहीं लेते थे, ठंडे पानी से वजू करते थे, अल्लाह ने तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की, कोई डिमांड नहीं की। बल्कि बुरा कहा इसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, बहुत सर्दी थी, तो एक साहब जो है उन्हें जनाबत लाहक हो गई, सोए हुए में एहतलाम हो गया, नहाने का जरूरत पड़ी उन्हें, सर्दी बहुत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, फजर की तैयारी करनी हुई ना उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो उन्होंने साथियों से मशवरा किया कि मुझे एहतलाम हो गया, जनाबत लाहक हो गई है, तो क्या करूं, ठंड बहुत है और पानी नहीं है गर्म, तो कहने लगे अब नहाना तो है तुम्हें, अब क्या हो सकता है। वो बेचारे ठंडे पानी से नहाए तो नमूनिया हो गया, बीमार पड़ गए, फजर तो कैसे जैसे तैसे अदा की, उसके बाद हालत बिगड़ी, फोत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इन्हें क्या हुआ, इन सडनली कैसे फोत हो गए। लोगों ने बताया कि जी ऐसे ऐसे ये बीमार हुए, कुछ लोगों ने कहा कि तयम्मुम से काम चला लो, लेकिन अक्सरियत ने कहा कि नहीं नहाओ, यानी पानी मौजूद है, तयम्मुम कैसे हो सकता है। तो बेचारे ठंडे पानी से नहाए तो मर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मरा नहीं, तुम लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। तो कोई अल्लाह को जरूरत नहीं है कि सर्दी के मौसम में फुला बाबा जी सारी उम्र सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करते थे, क्यों करते थे भाई, पानी गर्म करे और वजू करे। फुला बाबा जी सारी रात जागते थे और सोते नहीं थे, अल्लाह को दरकार नहीं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में जागा करें, कुछ हिस्सा आराम किया करें, सूरह मुज़म्मिल हुक्म दे दिए। तो अल्लाह को ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए कि आप अच्छा खाना ना खाएं, आप अच्छा कपड़ा ना पहने, आप जो है बालों में कंघी ना करें। वो जी तस्करतुल औलिया में कहते हैं जी एक खातून थी, उन्होंने सारी उम्र कंघी नहीं की, 40 साल उन्होंने कंघी नहीं की, 40 साल कंघी ही नहीं की, ना वो 40 साल नहाई, तो उनके बाल सबसे लंबे नजर आते थे। भाई सवाल ये है कि कंघी नहीं की, नहाई नहीं, तो वो अपने जनाबत के गुस्लों से पाक कैसे होती रही, खातून थी ना। अजीब अजीब बातें, ये बातें हिंदुओं को सूट करती हैं, हमें सूट नहीं करती, क्योंकि हमारा तो भाई काम नहीं चल सकता जब तक हम पाक ना हो, जब तक हम नमाज के लिए खड़े ना हो पाक होकर, हमारा तो काम ही नहीं चल सकता। तो अल्लाह को ये सब दरकार ही नहीं, ये नेकी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, कभी भी नहीं रहा। यहूदियों का भी खुद साख्ता था, दरवेशी का ये निजाम जो है ना, यहूद का भी खुद साख्ता था। अल्लाह खुद कहते हैं, पढ़ेंगे आगे आले इमरान में, अल्लाह ने कहा मैंने नहीं इनको कहा था कि ये रहबानियत अख्तियार करो, दरवेशी अख्तियार करो, खुद ही इन्होंने ऐजाद की, फिर निभाई भी कोई नहीं गई। तो यहूद ने खुद साख्ता ये तरीके बनाए, यहूद से ये ईसाइयों में आए और फिर ईसाइयों से हम में आ गए, हमने पीछे थोड़ी रहना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम लोग हर वो काम करोगे जो पहली उम्मतों ने किया, अगर वो किसी गोह के सुराख में घुसे थे तुम भी घुस कर देखोगे। सहाबा ने कहा पहली उम्मतों से मुराद यहूद और नसारा है, आपने कहा तो आप कौन होंगे, तो क्या मतलब है इस बात का कि जो जो गलतियां उन्होंने की तुम सब करके रहोगे, तुम कोई छोड़ोगे नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा कि तुम लोग गुमराही और नाफरमानियों में पहली उम्मतों के बराबर आकर रहोगे, इस तरह जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर आ जाता है। तो यहूद ने ये दरवेशी के उल्टे सीधे ढंग निकाले, उन्हें अपने अंदर राइज किया, उनसे फिर ये ईसाइयों में आए और फिर जाहिर हम में भी आए, हम पर तो एक और रंग हिंदुओं का भी चढ़ गया। तो बात यह है कि इस्लाम को ये दरकार नहीं है, अल्लाह आपसे ये हरगिज नहीं चाहते। हाँ बिस्यार खोरी ना करें, क्योंकि जाहिर ओवर ईटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई काम ढंग से नहीं हो सकेगा और मोटे होते जाएंगे, किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। वो तो एक सेहत का उसूल है, वो तो एक लहदा पूरा मसला है, पूरा मामला है। इसी तरह रहन सहन में, पहनने ओढ़ने में इसराफ हराम है, फजूल खर्ची हराम है। बाकी अल्लाह ने जैसी आपको हैसियत दे रखी है, माली हैसियत नॉर्मल जो आपकी है, जो आपका एक नॉर्मल माली स्टेटस है, उस फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक
आप जो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, या आप अच्छा खाना खाते हैं, या आपका घर है मुनासिब, तो इस्लाम को उससे कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। क्योंकि एतराज होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशहाल सहाबा को मना कर देते कि भाई नहीं, तुम लोगों ने कुछ भी बनाना। मगर ऐसा नहीं है, जो सहाबा खुशहाल थे, उनके घर भी अच्छे थे, उनके वो पहनने ओढ़ने के कपड़े अच्छे थे, वो खाना अच्छा खाते थे, साथ सदकात भी करते थे, तो आपने कभी उन्हें मना नहीं किया। लिहाजा इससे अल्लाह को कोई एतराज नहीं है, और नेकी का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे यहाँ तो ये है ना कि कोई आलिम दीन बेचारा कपड़ा अच्छा पहन ले ना, तो सवाल होता है कि जी ये इतने अच्छे कपड़े इसके पास कहां से आ गए। हाँ, अगर उसने माल में खयानत करके बनाए हैं, वो हराम है, वो जुर्म है। जैसे कई ऐसे नाम निहाद आलिम है इस वक्त, जो कुछ भी नहीं थे, मेरी तरह बेहैसियत लोग थे, मगर जब दीन में उनको नाम मिला, मकाम मिला, तो फिर उनके महल बन गए और उनकी जमीनें बन गई, और उनके जो गाड़ियां हैं, पिजारों से कम उनकी गाड़ियां नहीं है, और उनके पास गार्ड है और सब है। तो वो फिर वो तो उन्होंने उम्मत का माल गबन किया, वो हराम। लेकिन अगर कोई खुद साहिब हैसियत है, या उसकी तनख्वाह अच्छी है और वो अच्छा खाता पहनता है, तो इस्लाम को इससे कोई एतराज नहीं। इसकी एक मिसाल दुगी असरार साहब जो है, अल्लाह जन्नत अता फरमाए, वफात तो कर चुके हैं, तो जब वो हयात थे, मौजूद थे, तो माशाल्लाह उनका अपना कारोबार था जो चलता था माशाल्लाह। तो हमेशा उन्होंने एक नॉर्मल सादा सी उनका पहनना ओढ़ना था, लेकिन एक नॉर्मल पहनना ओढ़ना था। गाड़ी थी अपनी, घर बड़ा अच्छा है उनका, उनकी इवन बेटों का भी आगे उसी तरह अच्छा घर है, मॉडल टाउन में अच्छे घर है उनके, प्रॉपर रहन सहन है। तो अपनी जाति कमाई से है, अपने कारोबार से, तो इस्लाम को इसमें कोई एतराज नहीं। और ये कोई नेकी नहीं है कि पैसे होते हुए हम भूखे नंगे बनकर फिरे, ये कोई नेकी नहीं है, इस्लाम इसे नेकी नहीं मानता। ठीक है, नेकी क्या है? नेकी है शैतान के कदमों पर ना चलना, यानी पैसा है तो इसराफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना, कपड़े बनाने हैं तो बेहुदा नहीं बनाने, गैर जरूरी महंगे नहीं बनाने, खाना खाने में भी, अपनी यानी रहन सहन में भी, घर बनाने में भी, इसराफ से, अल्लाह की नाफरमानी से, इन सब कामों से बचना। तो यहाँ नेकी का तसव्वुर वाज़े कर दिया है, क्योंकि अभी तक हमारा ज़हन यही। इसी वजह से मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो नीम दीवाने मजनून लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, ये कहकर कि जी ये अल्लाह के वली है, ये तो मजजूब है, जिसे अपना होश नहीं, वो क्या दुनिया संभाले बैठे होंगे, कुछ तो अकल करें। मगर वे तसव्वुर इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा इस्लाम में ये नेकी का कोई तसव्वुर नहीं है। और नेकी का तसव्वुर ये है कि शैतान का रद्द किया जाए, अल्लाह के पसंदीदा काम किए जाए। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुवुन दुश्मन है, मुबीनुन खुला। अदुव पहले भी आप ये लफ्ज पढ़ाए हैं, आयन दाल और वाओ की इसकी रूट है, दुश्मन को कहते हैं, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं। मुबीन का लफ्ज आप नाम भी रखते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। उर्दू का लफ्ज है बे, ये नून से है, बयिन वाजे होना, बयान भी उसी से है। तो मुबीन खुल्लम खुल्ला, वो तुम्हारा ऐलानिया दुश्मन है। अच्छा ये भी बता दिया, शैतान की पैरवी ना करो, क्यों ना करो बे? यानी क्या अल्लाह की हुकूमत को खतरा है शैतान से? हमने तो कम अज कम यहूद की देखा देखी शैतान को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना रखा है। माजम हमें लगता है कि शैतान अल्लाह की तकदीरें रोक सकता है, शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है। भैया शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक जलील जिन है, कमजोर धुतकारा हुआ। जितनी बेबस मैं हूं, जितनी बेबस आप हैं, उतना ही बेबस हर जिन है, हर जिन। जिन हमें तो थोड़ा सा सता सकते हैं, इस एतबार से वो नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह के सामने वो वैसे ही मखलूक है जैसे मैं हूं आप। और जिन्नों में भी शयातीन यानी अल्लाह के हुक्म से बाहर होने की कोशिश करने वाले नाफरमान जिन्नात, और फिर उनका भी सरदार जिसे अल्लाह ने कह दिया तू है ही लई मर्दूद। एक बागी की क्या ताकत होती है, एक बागी की क्या ताकत होती है? कोई ताकत नहीं होती, लिहाजा उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो अल्लाह ने वाजे कर दिया शैतान की पैरवी ना करो, मगर ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उससे कोई खतरा है,
मेरी खुदाई के लिए कोई प्रॉब्लम है, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसलिए मना कर रहा हूं, वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो रब हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता। हाँ तुम जहन्नवी बन जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तुम फेल हो जाओगे। तो उसकी पैरवी मत करो, उसकी बात मत मानो, उसके झांसे में मत आओ, क्योंकि वो तुम्हें तबाह कर देना चाहता है, वो तुम्हें तबाह कर देगा। इकबाल का बड़ा सच्चा शेर है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो अल्लाह के नहीं बनते, अपने तो बने, अपने नफे नुकसान को तो सोचे, क्या हासिल होगा आखिरत के घाटे के बाद, क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं। यही बात यहां समझाई जा रही है, यही बात बताई जा रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि शैतान की पैरवी करने से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और पैरवी ना करके तो मेरी खुदाई की अजमत नहीं बढ़ाओगे। बात यह है वो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा औलाद आदम का, इसलिए उससे बचो। इन्नमा बेशक यअमुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है, बिसुई बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई, बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और बेहयाई का, यानी जिन कामों का वो मशवरा देता है। हुक्म से मुराद यहाँ पर हुक्म अल्लाह ने कहा है समझाने के लिए, दरअसल वो तो आकर सिर्फ एक वसवसा डालता है, हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब कबूल कर लेते हैं तो हुक्म हो जाता है हमारे लिए, उसे अख्तियार नहीं दिया गया, यानी वो जिस चीज की तरफ तुम्हें इन्वाइट करता है, अमर से है ना ये, तो दावत देने को अमर कहते हैं ना, अमरे बिल मारूफ नेकी का हुक्म दो, तो मैं किसी को ये हुक्म थोड़ी दे सकती हूँ, यानी आपको मैं हुक्म दू पर्दा करो तुम, नहीं दे सकती, लेकिन जो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ ये अमर ही है, उसी माने में यहां पर आया है, वो तुम्हें हुक्म देता है, यानी वो इनवाइट करता है तुम्हें किन चीजों की तरफ, बिसुई बुराई की तरफ। क्या है सू, क्या है बुराई, हर वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं, हर वो काम जो इंसानियत को तबाह करने वाला है, क्योंकि याद रखिए अल्लाह जिन कामों को भी ना पसंद करते हैं वो सब इंसानियत को तबाह करने वाले ही, कत्ले औलाद, अबॉर्शन इंसानियत की तबाही है, जिना इंसानियत की तबाही है, सूद इंसानियत की तबाही है, जितनी चीजों से भी अल्लाह ने रोका इसीलिए रोका, हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती है, अल्लाह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मालिक है सब चीजों का, खालिक है, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजें जिनसे अल्लाह ने मना किया वो सू में आती है, शैतान उन्हीं की तरफ बुलाता है। वल फहशा और फुहश चीजों, फुहश क्या है, जो बेहयाई का मजहब, चाहे वो बात हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो म्यूजिक हो, जो भी हो जो फुहाशी की तरफ बुलाए, बेहयाई की तरफ बुलाए। शैतान का पहला वार है ही बेहया, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के भी पहले उसने कपड़े ही उतरवाने की कोशिश की थी, उतरवाए थे ना, जब उन्होंने नाफरमानी की तो लिबास उतर गए, तो बेहयाई इसका पहला दाव होता है, बाकी सब कुछ उसके बाद खुद बहुत होने लगता है। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे बेहयाई की तरफ आ रहे हैं, हया का तसव्वुर मिट रहा है, और आप देख लें कि शैतान ने कितने बड़े लेवल पर बेहयाई को फैला दिया, और किस किस तरह की बेहयाई को फैला दिया, इस वक्त तो समझ नहीं आती। आप अपने अच्छा भला मोबाइल पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, और आपका पूरा जो हिस्ट्री है उसकी वो यही है कि आपकी जो सर्च है वो दीन की है, इल्म की है, फिर वो आपको साथ ऐसा ऐड देते हैं ना कि आप जल के रह जाते हैं, जल के रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये ऐड क्यों है, इनअप्रोप्रिएट है, ना आए दोबारा, वो कहते हैं जी सॉरी वी विल ट्राई, फिर चार पांच दिन बाद वो भी करते हैं। शैतान, वो भी शैतान ही है कि शायद इसमें फंस जाए,
चलो अब नहीं देख रहा, हो सकता है हफ्ते बाद देख ले, किसी वक्त हो सकता है ना, इंसान कमजोरी के आलम में खोल ही ले, देख ही ले। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना ज्यादा गंद मचा हुआ है कि हमारी तो तवक्कुआत से भी बहुत ज्यादा है, हम तो वो सब कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते जो हो रहा है। वा और अन, ये के तकुलु तुम कहो अल्लाही अल्लाह के बारे में, माँ जो ला नहीं तालमूना तुम जानते, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते, यानी वो तुम्हें बेहयाई और बुराई पर उकसाता है और तुम्हें दीन के बारे में झूठ बोलने पर आमादा करता है। तो अब देखिए कितनी ही चीजें आई होती है, कितनी ही चीजें आई होती। अभी किसी ने मुझे पूछा हुआ था कि एक उन्होंने मुझे उससे शेयर की थी पोस्ट की कि कोरोना जो है वो इब्रानी जुबान का लफ्ज, और इब्रानी जुबान में कोरोना कहते हैं दज्जाल को, तो कोरोना कोरोना जो पुकारा जाएगा तो दज्जाल आ जाएगा ना, तो इसीलिए उन्होंने ये करवा दिया कि सब जो है कोरोना 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 करे ताकि दज्जाल आ जाए, तो जो दज्जाल आने वाला खुद साख्ता बात मनगढ़ंत पता नहीं कहाँ बैठ के लिखी है कहाँ से लेकर निकले हैं, न सर है ना पैर है, फैला दी बस। और इसके सिवा कितनी ही बातें हैं बुजुर्गों के नाम निहाद करामतों से लेकर, कितने ही मामलात हैं जिनमें हमने खुद साख्ता बातें बना रखी है और उन्हें बयान करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं। तो दीन के मामले में झूठ बोलने पर आमादा करता है शैतान, वो हमें इसका हौसला देता है माजल्ला, ताकि दीन बिगड़े। इससे उसपे दो तरह के मकासिद पूरे होते हैं, एक तो उलामा खुद बुराई फैलाने का सबब बनते हैं, और जब बुराई फैलती है ना मस्जिद के मिंबर से तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा जब उलामा इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ फॉलोअर्स तो उनके होते हैं, तो वो फॉलोअर्स गुमराह हो जाते हैं, तो इस तरह गुमराही करती है। कितनी ही बातें हैं, अभी इस वक्त में तो इतनी है कि हम गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते। अभी आप देखिए मुझे वसीम रिजवी है इंडिया में, जिसने बकवास की सारी कुरान के बारे में कि जी कुरान की 22 आयतें ऐसी हैं जो दुनिया में टेररिज्म का 22 है वो मैंने निकाल दी है, और कुरान की तरतीब खराब थी तो तरतीब भी मैंने माजरा सही कर दी है और नया कुरान जिसने पब्लिश किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दिन भी देखने थे हमने। खैर एक एक बात है कि ये है अल्लाह के बारे में वो कहना, माला ताला मुझे तुम जानते नहीं, यानी ही वो सही कि कुरान की सूरतों की तरतीब ठीक नहीं थी, मैंने ठीक कर दी। इमेजिन करें, इमेजिन करें, हाउ कुड समवन से दिस, बट ही वो सही। तो आप देखिए यहां तक ले आता है शैतान, यहां तक ले आता है। फिर गोहरशाही फिरके को देखिए, वो जी ईसा अलैहि सलाम होने के दावेदार हैं हजरत, पहले महदी होने का दावा किया, फिर ईसा होने का दावा किया, देखिए उनका दावा कहां तक पहुंचता, और ये बढ़ते जाएंगे, और कितने ही वही बातें गुरु हैं, कितनी ही बातें। तो वो सब क्या कह रहे हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं अल्लाह के बारे में क्या वो जानते, नहीं जानते, झूठ कह रहे हैं। तो दीन में खराबी पैदा करना, दीन को बदलना, खुद साख्ता बातें करना ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब दो में से एक बात होगी ना, या तो अगले बात मान लें या पीछे लग जाएंगे, और दूसरी बात ये होगी कि जब इतना कंफ्यूजन देखेंगे तो बच्चे अब बेजार हो जाएंगे, सेकुलर हो जाएंगे। अब यकीन करें अगर ये गंद ऐसी मचा रहा ना तो अगली नस्ल सेकुलर बन के उठेगी कि दफा करो हमें दीन ही नहीं चाहिए, ये क्या तुम लोगों ने चूचू का मुरब्बा लगा रखा है। बहुत कम लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देते हैं कि वो इस तरह की गुमराहियों में भी हक कदम थाम कर खड़े रहते हैं, मगर फिर इसके लिए तो अजीमत की जरूरत है, वो तो जिसे अल्लाह दे सके। तो शैतान का ये बहुत बड़ा टूल है दीन को बदल देना और उलामा के हाथों बदलवाना, तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम किताब का इतना इल्म हासिल करें कि जब हमारे सामने कोई बात करे तो हमें पता हो कि वो गलत कह रहा है। इतना इल्म हासिल करना जरूरी। वा और इजा, जब कीला कहा जाता है लहु उनसे, इत्ताबी उ पैदवी करो माँ जो
अंजला उतारा अल्लाह अल्लाह ने, ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के उतारे हुए कलाम की पैरवी करो, कालू वो कहते हैं बल नहीं नत्तबिउ, हम पैरवी करेंगे माँ जिस पर अल्फ़ीना हमने पाया, अलैही ऊपर आबा अनापते बाप दादा के। वो जवाब में कहते हैं नहीं, हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को अमल करते हुए पाया। किन की बात हो रही है? कुफार की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं जो कुफार? अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि इन काफिरों का जो गुमराह हो चुके हैं, हाल ये है कि जब हम इनसे ये कहते हैं, मुसलमान इन्हें दावत देते हैं, जी एक बहन ने मैसेज किया है, मैं वो देखने लग गई थी इसलिए मैं बीच में खामोश हो गई थी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह सुभान व तआला बात कर रहे हैं कुफार के बारे में। असल में ये बात सबके बारे में, हर वो बंदा जो किताब को छोड़े हुए, पहला किताब कुफार के बारे में है कि जब उन्हें कहा जाता है अल्लाह के उतारे हुए कलाम की पैरवी करो, तो वो कहते हैं हम तो उस तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या आज हम ये नहीं करते? मैंने तो बहुत बार देखा है, कुरान की आयत खोलकर हम सामने रखते हैं, हदीस खोलकर सामने रखते हैं, और फिर लोग कहते हैं हाँ कुरान की आयत तो है, गल तो तेरी ठीक है, पर साढ़े वड्डे हैं जी करते सन, असी तो नहीं चढ़ सकते। फिर ये क्या है? ये वही गुमराही है। गुमराही की शक्ल हर अहद में एक